बरसात का मौसम आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में बीते एक हफ्ते में डेंगू के 250 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में अब तक डेंगू के 500 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल इसी समय डेंगू के महज 11 मामले सामने आए थे। यह डेंगू की बीमारी है, इसका सीजनल ट्रेंड होता है जो कुछ साल के बाद चलता रहता है। तो जैसे 2010 में हुआ था, 10 के बाद 13 में हुआ था और 14 में कम केस थे। अभी पूरे जो अगस्त महीना था उसमें कुल मिला के 11 केस हुए थे और अभी हम देखते हैं उसकी संख्या बढ़ करके इस साल अगस्त 24 तक 530 की तक पहुंच गई है। तो आगे संभावना है केस बढ़ेंगे। दरअसल मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। इसके शरीर पर सफेद रंग की धारियां होती हैं। ये गंदे पानी की बजाय साफ पानी में पनपता है और ये रात की बजाय दिन में काटता है। डेंगू के लक्षण की बात करें तो ठंड लगकर तेज बुखार, सिर, मांसपेशियों, जोड़ों और आंखों में दर्द, शरीर पर लाल या गुलाबी रंग के चकत्ते पड़ना प्रमुख हैं। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटने लगती है। यदि मरीज अपने मुंह से ये लिक्विड या कोई भी तरल पदार्थ लेते हैं तो बीमारी ऐसे समय वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, लेवल तक जहाँ उनको एडमिट होने की जरूरत पड़े या एक डॉक्टर के जाने की जरूरत पड़े। ये लगभग 95% बीमारी तो ऐसी होके चली जाती, पता ही नहीं चल पाता हमारे को। डेंगू से बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। ऐसे में डेंगू से बचने के लिए खुद जागरूक रहना ज्यादा जरूरी है। घर या ऑफिस के आसपास पानी जमा ना होने दें। अगर किसी कारण से पानी जमा हो तो जमा पानी में केरोसिन तेल डाल दें, हो सके तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। कूलर को सुखा कर रख दें या फिर हर हफ्ते पानी बदलें। पानी की टंकी को ढक कर रखें। टूटे फूटे डिब्बे, टायर, बर्तनों आदि में पानी ना जमा होने दें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। इन उपायों को अपना कर डेंगू से बचा जा सकता है। रुक रुक कर बारिश, 30 डिग्री के आसपास तापमान और मौजूदा आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी डेंगू के मच्छर के पनपने के लिए अनुकूल है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होगी। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार बैठकें कर जहां एक ओर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा रहा है, वहीं लोगों से ये अपील कर रहा है कि लोग घर के अंदर और घर के बाहर पानी इकट्ठा न होने दें, क्योंकि साफ पानी में ही डेंगू के मच्छर पनपते हैं। कैमरामैन गोपाल दास के साथ नितेंद्र सिंह, DD News, दिल्ली। तो बहुत जरूरी है कि आप भी सब